यानी उंगली, जो छोटी जरूर है लेकिन लोकतंत्र की मजबूती में बड़ी भूमिका निभाती है। तकनीक की हर चीज को इससे आप हैंडल कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्र की रक्षा भी है तो आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा भी। अब यही फिंगर फैसला करने वाली है कि यूपी में इस बार किसकी बनेगी सरकार। जो टैक्सेस हैं उनमें हमें थोड़ा बेनिफिट्स हों, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। महंगाई तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग अब आराम से किसी भी समय घर से बाहर निकल सकते हैं। ये जो आपकी फिंगर है ये ईवीएम पे जाकर कहाँ रुकने वाली? जो राष्ट्र के लिए समर्पित है और देश के विकास के लिए समर्पित है, बटन तो उसी पर दबेगा। अरे राज करेगा कौन? हम चुनेंगे। जब बोलेगी फिंगर भैया सब सुनेंगे। मैडम की ना मिस्टर की, अंकल की ना सिस्टर की, पब्लिक असली पावर है। अब चलेगी फिंगर की, अब चलेगी फिंगर की। खुशहाली का ताला है अब जो खुलने वाला है। जय बोलो भाई वोटर की, अब चलेगी फिंगर की, अब चलेगी फिंगर की। अरे अब चलेगी फिंगर की। जय जयकारा सड़क से संसद तक होगा। वही गिरेगी मोहर हमारी जहां हमारा हक होगा। लोकतंत्र को लूट सके क्या कोई चाकू पिस्तल से? पब्लिक की धन दौलत तो महफूज है भैया फिंगर से। आगे बढ़ता चल रही तेरी ताकत है स्याही। नोटों की ना चिल्लर की, अब चलेगी फिंगर की, प्रगति में परिवर्तन की। अब चलेगी फिंगर की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन स्पेशल शो। अब चलेगी फिंगर की। फिंगर की इसीलिए चलेगी क्योंकि यही फिंगर जनता की और देश की आज सबसे बड़ी ताकत है। जैसे फिंगर टच करने भर से घरों की सुरक्षा करने वाले ताले आजकल खुलते और बंद होते हैं, वैसे ही बहुत सी समस्याओं के तालों की चाबी आपकी ये फिंगर है। और इसी फिंगर का इस्तेमाल कर वोटर जब चुनाव में ईवीएम का बटन दबाते हैं तो सरकारों की तकदीरों के ताले भी खुल जाते हैं। फिंगर प्रगति के रास्ते खोलती है तो परिवर्तन भी लाती है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं अब चलेगी फिंगर। तो इस इलेक्शन स्पेशल सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं यूपी के शहर वाराणसी, जहां आखिरी दौर में यानी 7 मार्च को वोट पड़ने हैं। वाराणसी धार्मिक नगरी है तो देश और प्रदेश की सियासत का अहम केंद्र भी। देखिए किन किन मुद्दों पर चलने वाली है वाराणसी के लोगों की फिंगर। नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी। मोक्षदायिनी काशी केवल आस्था का ही नहीं बल्कि राजनीति का भी बड़ा केंद्र है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद भी हैं, और अब जब चुनाव की बेला है तो काशी के लोगों की वोट देने वाली फिंगर क्या इशारा कर रही है, इसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वाराणसी के प्रमुख बाजार में, जिसको गुरबाग कहते हैं, और यहाँ साड़ियों से जुड़े हुए कई सारे प्रतिष्ठान हैं, और मैं समझूंगा इन प्रतिष्ठानों में जा करके कि आखिरकार वाराणसी की मशहूर बनारसी साड़ी से जुड़े व्यवसायियों का क्या सोचना है, चुनाव को लेकर वो क्या मुद्दे रखते हैं।
वाराणसी के लक्सा रोड के एक साड़ी शोरूम में मैं भीतर आ चुका हूं और आप देखिए चारों तरफ मेरे आपको देखेंगे रंग बिरंगी साड़ियां हैं, बनारस की साड़ियां हैं और न केवल देश में बनारस में बल्कि पूरे विश्व में इनकी पहचान है। लोग डिमांड करते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, पर्यटक होते हैं, धार्मिक पर्यटन पर आते हैं, वो लोग अपने साथ पहचान के रूप में बनारस की साड़ी ले जाना ज़रूर पसंद करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो काउंटर पर भी आप देखिए, ये वही बनारसी साड़ी है जिसकी चर्चा हमेशा की जाती है। शुभ अवसरों पर, मांगलिक कार्यक्रमों पर इसको पहनना बहुत शुभ माना जाता है और यही इसकी खूबी है। यहाँ कई सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सबसे पहले इस शोरूम के ओनर से मैं बात करूँगा कि वो क्या सोचते हैं, 5 साल सरकार को बीत गए हैं, क्या मुद्दे हैं। साहब अपना नाम बताइए पहले मुझे। मनोहर लाल शिवारमानी। 5 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, क्या लगा विकास कार्य? वाराणसी के अगर लिहाज से हम बात करें तो किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? वाराणसी का तो विकास वो हुआ है जो हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था। इतना अच्छा विकास, कॉरिडोर वगैरह का इतना, टूरिज्म हमारा इतना बढ़ गया, हमारा व्यापार टूरिज्म की वजह से बहुत अच्छा हो गया। और ये बनारसी साड़ी वगैरह का जो बुनकर है यहाँ का, वो बहुत खुशहाल हो गया। एक नई बात हमारे सामने आ रही है कि हम अच्छी तरह से व्यापार कर सकते हैं इसका। व्यापार की सुगमता, व्यापार की बढ़ोतरी के लिहाज से काम हुआ है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ टैक्सेशन संबंधी प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसको भी थोड़ा सा मुझे बताएं। नया नया जो ये GST वगैरह का नया नया प्रावधान कर रहे हैं, तो हम लोग व्यापार करें कि ये सब खाली टैक्स भरते रहें या उसी पर हम ड्यूटी देते रहें, ये तो नहीं हो सकता ना। कुछ ऐसी हम लोग को परेशानी से दूर करें, ये टूरिज्म एरिया है, हमको ये अच्छा लगेगा कि वो टैक्स लगाएं, लेकिन एक टैक्स लगा के उसको खत्म कर दें। आप, मैं देख रहा हूँ इस काउंटर पर खड़े हैं, आपका पहले मुझे परिचय दें। मेरा नाम घनश्याम सच्चादनानी है। क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? हम लोग एक तरह से जनता है, जनता के हिसाब से जैसे आने जाने की सुविधा वगैरह ये सब जो पहले परेशानियाँ थी वो बहुत ही कम हो गई है। रोड ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? का बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग को परेशानी होती थी आने जाने में, वो इस समय खत्म हो चुकी है। ये तो कह रहे हैं भैया रोड ट्रांसपोर्ट बड़ा अच्छा हो रहा है, मैं तो भी आ रहा था तो बड़ा फंस के आया हूँ, कुछ किलोमीटर चलने मुझे बहुत लंबा समय लगा, तो ये कहाँ बेहतर हुआ रोड ट्रांसपोर्ट? यहाँ जाम की तो समस्या ज्यादा है बनारस में हमारे, मुद्दा है ना जाम का, मुद्दा है। एक मुद्दा और है, बेरोजगारी का मुद्दा भी है थोड़ा सा, और एक महंगाई का मुद्दा। ये तीन मुद्दे भी हैं जिसपे सुधार की जरूरत है बीजेपी को। जी, सुधार की जरूरत। देखिए बेरोजगारी की बात इन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो है शहर का ट्रैफिक जो है वो दिक्कत कर रहा है, आपको क्या लगता है क्या है माहौल बनारस का? ठीक है, माहौल बढ़िया है, मगर युवाओं के लिए थोड़ा सा प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा डाउन है, तो रोजगार बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे मंदिर सड़क मुद्दे पे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बट रोजगार के मुद्दे पे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो रोजगार का मुद्दा है। हाँ, कुछ यहाँ पे युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए, बड़ी बात है भाई, युवाओं को रोजगार तो चाहिए होगा। आपका नाम क्या है? अजीत सिंह। कहाँ रहते हैं आप? ये हम सिगरा रहते हैं, माधोपुर में। क्या लग रहा है 5 साल में कैसा काम हुआ है? 5 साल में काम तो बढ़िया है, रोड्स थोड़े अच्छे बन गए हैं पहले से, कॉरिडोर बन गया मंदिर का, वो तो अच्छा काम हुआ है। बस यही है थोड़ा सा महंगाई को देख के उसके लिए मेन पर असर पड़ रहा है ना? जी, जेब पे असर पड़ रहा है। महंगाई इस बार के चुनाव का मुद्दा? कमा तो रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं। जी, महंगाई मानते हैं ना इस बार मुद्दा है चुनाव? जी, मेन मुद्दा तो वही है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सड़क मुद्दा है, ट्रैफिक मुद्दा है। और भी लोग हैं उधर खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल दुबे। राहुल दुबे, कितनी उम्र है? ये हमारे 19। 19 साल। इस बार वोट देने जाओगे? जी सर। पहले दिए हो कभी? नहीं सर, पहले दिए हो, फर्स्ट टाइम वोटर है। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप तो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मुझे लगता है किसको सोच करके मन में रख के मैं वोट दूंगा। इस बार तो काम अच्छा हुआ है, इसीलिए मैं ये सोच के जाऊंगा कि आगे भी काम बढ़िया होगा। काम अच्छा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, तो ये बनारस के लोग हैं, उनकी बात है। एक विषय यहाँ पर ये भी आया कि जो सिंगल पॉइंट टैक्सेशन है वो होना चाहिए, क्योंकि GST लागू होने के बाद कहीं ना कहीं परेशानी पेश आती है, उसको दूर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं और रोजगार का है, वो महंगाई का है, वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो इस तरह की तमाम बातें सामने आई हैं। अब यहाँ के लोगों की बात सुनने के बाद इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे वाराणसी के कुछ और क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के मन की बात। धर्म और संस्कृति के साथ ही वाराणसी
शिक्षा का भी बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने साल 2016 में की थी, यानी अब से 100 साल से भी ज़्यादा वक्त पहले। न केवल देश के बल्कि विदेश के भी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, और अगर वाराणसी के मुद्दों को समझना है तो यहाँ के शिक्षकों और छात्रों के मन की बात भी सुननी जरूरी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत शिक्षा धर्म विज्ञान संकाय में इस वक्त मौजूद हूँ और चर्चा करूँगा गुरुजनों से। धर्म की नगरी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, क्या लगता है आपको कि अब जो आने वाला चुनाव है उसमें मुद्दे क्या है? देखिए, चुनावों के मुद्दे अलग अलग दलों के अनुसार अपनी अपनी नीति और निष्ठा के अनुसार वो मुद्दे रखते हैं, लेकिन जनता को किन मुद्दों से ताल्लुकात है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। काशी में जिस प्रकार का आध्यात्मिक विकास हुआ है, जिस प्रकार का भौतिक विकास हुआ है, वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। चाहे वो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को लेकर के देख लीजिए, या भौतिक विकास को देख करके आप देख लीजिए कि जिस तरह से यहाँ की सड़कें, यहाँ की स्थितियाँ बनी हैं, तो वस्तुतः काशी में तो अद्भुत विकास हुआ है। गंगा के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, सनातन संस्कृति के विकास के लिए, धार्मिक पर्यटनों के विकास के लिए पैसा आ रहा है, काम हुआ है, इसको देख करके अच्छा लग रहा है। मैं प्रोफेसर अरविंद जोशी हूँ, समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे समाज में अगर काम करना है, खास करके राजनेताओं को अगर काम करना होता है, या जो सरकार होती है वो एक पॉलिटिकल फार्मूले पे चलती है, लेकिन केवल पॉलिटिकल फार्मूला ही पर्याप्त नहीं होता। समाजशास्त्र जो है समाज की समझ का विज्ञान है, और मुझको लगता है कि समाज की समझ जो है वो एक राजनेताओं को भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य आदमी चाहता है, सुरक्षा आदमी चाहता है, समाज में सम्मानपूर्वक वो रह सके। जिक्र आपने किया है, कितना बड़ा विषय है सुरक्षा का, देखिए बहुत बड़ा विषय है। मैं तो विश्वविद्यालय का 2 बार चीफ प्रॉक्टर रहा, अब मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है सुरक्षा के बारे में कि क्या स्थितियां उत्पन्न हुआ करती थी। ठीक है, सुरक्षा की जो व्यवस्था है आप किसी व्यापारी से पूछ सकते हैं, सुरक्षा की जो स्थिति है किसी महिला से आप पूछ सकते हैं, सुरक्षा की स्थिति है जो आम लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं आज। तो ये जो सुरक्षा है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा समझिए वो है। विकास के काम हुए हैं इसमें संदेह नहीं है, और जो होना चाहिए उन बिंदुओं पर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। मतलब आने वाले चुनाव के मुद्दे क्या हो सकते हैं? हाँ, बढ़िया बात। संस्कृत की शिक्षा यदि किसी को लेनी है तो उसको काशी आता है और आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान सरकार में संस्कृत की थोड़ी विकास में गति धीमी थी। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने विकास नहीं किया, इस तरफ उनका ध्यानाकर्षण कम था। उत्तर प्रदेश में करीब 1400-1500 संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं जो लखनऊ बोर्ड से, संस्कृत बोर्ड से कुछ संबद्ध हैं, और शेर से सारे महाविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। संस्कृत विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी स्वयं का विद्यालय चलता है गोरखपुर में, उन्हीं के मठ में चलता है। वो स्वयं विद्यालयों से परिचित थे मुख्यमंत्री होने के पहले, जब कभी चुनाव लड़ते थे तब वो संस्कृत की बात के तमाम बिंदुएं रखते थे, तो वो संस्कृत के प्रत्येक गतिविधि से परिचित हैं, संत हैं और विद्यालय चलाते हैं, इसलिए बहुत बताने की ज़रूरत उसमें नहीं है। लेकिन वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालयों की दुर्दशा है। तो शिक्षकों के मन की बात हमने समझी, उनके लिहाज के मुद्दे क्या हैं उनको हमने बारीकी से समझा, अब बात है छात्रों की, बात छात्रों के मन में क्या चल रही है इसको भी हम जानेंगे और इस सफर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चलेगी तो फिंगर की। अरे राज करेगा कौन, हम चुनेंगे, जब बोलेगी फिंगर भैया सब सुनेंगे, मैडम की ना मिस्टर की, अंकल की ना सिस्टर की, पब्लिक असली पावर है, अब चलेगी फिंगर की, अब चलेगी फिंगर की, खुशहाली का ताला है अब जो खुलने वाला है, जय बोलो भाई वोटर की, अब चलेगी फिंगर की, अब चलेगी फिंगर की, चलेगी फिंगर की, प्रगति में परिवर्तन की, आप चलेगी फिंगर की। हमारा व्यापार टूरिज्म की वजह से बहुत अच्छा हो गया, रोजगार बढ़ाना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा भी है थोड़ा सा,
और एक महंगाई का मुद्दा। कॉरिडोर बन गया मंदिर का, वो तो अच्छा काम होगा। जिस प्रकार का भौतिक विकास हुआ है वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। संस्कृत महाविद्यालयों की दुर्दशा है। स्वास्थ्य आदमी चाहता है, सुरक्षा आदमी चाहता है। आए दिन जो व्यापारियों को तंग किया जाता था, कुछ न कुछ किसी भी तरह से प्रॉब्लम पीड़ित किया जाते थे हम लोग, उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया है सरकार ने। बाहर से जितने भी लोग आते हैं अब ये बोल के जाते हैं कि मैं बनारस छोड़ के गया हूँ, वापस आना चाह रहा हूँ, तो इससे अच्छा और हम लोग को क्या चाहिए। आज हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि हम लोगों का नाम क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में बनारस का एक नाम लिया जाता है। बीएचयू के शिक्षकों की बात हमने सुन ली, लेकिन छात्रों के मन में क्या चल रहा है, उनके लिहाज से उनके हिसाब से मुद्दे क्या हैं, यहाँ मैं बात करूंगा इस छात्रों के समूह से। मैं देख रहा था पंचांग पढ़ रही थी, सरकार का पंचांग बताएंगे क्या है? सुरक्षा तो देखिए सबसे पहले होना ही चाहिए और अगले में भी हो। माँ बहन बेटियों की रक्षा करना उनका प्रथम धर्म है और जो भी सरकार ऐसा कर रही है वो हम उसके साथ है। आप क्या मानते हैं? देखिए मेरा मानना है कि सरकारें बनेगी, पार्टी किसी न किसी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को, हम लोग चूँकि युवा हैं और इसमें हम लोगों को ये सोचना होगा कि जनप्रतिनिधि भी हम चुनते हैं अपना, तो कौन बेहतर जनप्रतिनिधि हो, जो स्थानीय नेता हम लोगों का विधायक होता है, तो इसमें भी सोचना होगा। जनप्रतिनिधि की बात इन्होंने की, बड़ी अच्छा सवाल उठाया, आदर्श जनप्रतिनिधि या आदर्श सरकार आप किसको मानते हैं? देखिए जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते, जो सरकार का मोटिवेशन चलेगा उसी के हिसाब से वो करेंगे अपना कार्य। ठीक है, जनप्रतिनिधि एक माध्यम है। आदर्श सरकार की अगर बात करें तो वो कैसी होनी चाहिए? भैया कहें कि जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि शिक्षित नहीं रहेगा तो क्या होगा, विकास होगा क्षेत्र का? आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, छात्र हैं, मुद्दे क्या हैं? नौकरी होनी चाहिए। काम किया जा रहा है और इसे और थोड़ा सा बेहतर भी किया जाना चाहिए, तो आप इस सफर को आगे लेके चलेंगे और बनारस की जनता के मूड को जानेंगे। इस वक्त मैं 80 घाट पर खड़ा हूं, तैयारियां देखिए, गंगा आरती की तैयारियां हो गई हैं, थोड़ी ही देर में पुजारी जी आएंगे और सामने आप देख सकते हैं गंगा जी का जो भव्य नज़ारा है, आरती होगी। यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, लेकिन चूंकि हमें बात करनी है बनारस के मुद्दों पर, इसलिए मैं यहाँ जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँगा और बनारस के मुद्दों पर चर्चा करूँगा। राजा रामचंद्र की नमः, पार्वती पते हरा हरा महादेव। सातवें चरण में बनारस में वोटिंग होगी, इस बार के मुद्दे क्या हैं? भैया इस बार थोड़ा सा हम यही चाहेंगे कि जॉब वगैरह के भी वो करें, और अभी जैसे कि हम लोग लोन वगैरह लेने जाते हैं, सेल्फ लोन या फाइनेंसिंग लोन, मतलब बिजनेस लोन, तो उसमें प्रोसेस जो होता है उसको थोड़ा कम करें, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है जिसके कारण कुछ लोगों का लोन होता है, कुछ लोगों का लोन नहीं हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा भैया उसमें किया जाए। सड़क, मंदिर का विकास, उसके बाद में जो है सुरक्षा, स्वास्थ्य सारे ठीक रहे हैं, केवल बेरोजगारी एक ऐसी रही जो कि जिस स्तर से होना चाहिए उतने अच्छा स्तर से विकास नहीं हुआ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 ईयर्स। जी, तो मुझे लगता है ये पहला मौका होगा जब आप वोट देने जा रहे होंगे। जी। आप क्या सोचते हैं, किन चीज़ों को दिमाग में रख करके वोट देंगे? एक कदम आगे बढ़ा करके अगर बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया जाए तो बहुत ही, मतलब बनारस या फिर पूरे यूपी के लिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा। वाराणसी में हमने अलग अलग तबके में जाकर के लोगों से बात की और जाना कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं, तो वहीं कुछ लोग बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जनता की वोट देने वाली फिंगर
सत्ता के सिंहासन पर किसे बिठाएगी ये तो पता चलेगा 10 मार्च को जब आएंगे 5 राज्यों के नतीजे। अरे राज करेगा कौन, हम चुनेंगे, जब बोलेगी फिंगर भैया सब सुनेंगे। मैडम की ना मिस्टर की, अंकल की ना सिस्टर की, पब्लिक असली पावर है, अब चलेगी फिंगर की। अब चलेगी फिंगर की, खुशहाली का ताला है अब जो खुलने वाला है, जय बोलो भाई वोटर की, अब चलेगी फिंगर की। अब चलेगी फिंगर की, अरे अब चलेगी फिंगर की। सड़क से संसद तक होगा, वही गिरेगी मोहर हमारी जहाँ हमारा हक होगा। लोकतंत्र को लूट सके क्या कोई चाकू पिस्टल से, पब्लिक की धन दौलत तो महफूज है भैया फिंगर से। आगे बढ़ता चल रही तेरी ताकत है स्याही, नोटों की ना चिल्लर की, अब चलेगी फिंगर की, परिवर्तन की, अब चलेगी फिंगर की। तो एबीपी न्यूज की इस इलेक्शन स्पेशल सीरीज में आज बात बस यहीं तक, लेकिन फिंगर की ताकत को याद रखिए, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने से मत चूकिए। वोट देने जरूर जाइए, ईवीएम का बटन दबाइए, वोट के लिए दूसरों को भी जरूर जागरूक करिए, क्योंकि वोट डालने वाली फिंगर जब चलती है तो देश का भविष्य तय करती है, आपकी तरक्की और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।